अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। पीछे ध्यान ना दीजिएगा ज़्यादा, मेरे जो स्टूडियो है इसकी हालत थोड़ी ख़राब हुई है। आज मैं सुबह 9 बजे पहुंच गई थी, लेकिन मुझे इतनी शदीद नींद आ गई थी कि आई जस्ट लेफ्ट एंड आई जस्ट वोक अप फ्रॉम द बेस्ट नैप ऑफ माई लाइफ। लेकिन वीडियोज़ बनानी है, बहुत सा काम करना है, सो आई एम हेयर मेकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिग्रीज एंड एजुकेशन सिस्टम प्लस माई ओन डिग्री और हाउ दे कैन हेल्प यू टू गेट अ जॉब एंड स्टफ़ लाइक दैट, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम लोग करने वाले हैं सेल्फ केयर। मैं आजकल अपने बालों की ऑयलिंग और इन सारी चीज़ों को, स्किन केयर को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रही हूँ, ठीक है। तो हमारे बाल आप लोग देख सकते हैं कि शदीद ख़राब हुए हैं, तो हम साथ साथ अपना ऑयल यूज़ करने वाले हैं। और ऑयल में कौन सा यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं यूज़ करने वाली हूँ 7 हर्बल हेयर ऑयल। इसमें 7 हर्ब्स हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम डैंड्रफ एंड डर्ट एंड स्टफ़ लाइक दैट। आप अच्छे से मसाज करेंगे तो आपका जो भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स हैं और डर्ट वगैरह बालों में लग जाती है, वो सारी चीज़ें जब आप वॉश करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगी। प्लस आपके बालों की हेल्थ और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी इफ़ यू आर यूजिंग दिस वन। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन रेगुलरली। और मैंने बहुत अरसा अपने बाल छोटे रख लिए, दिस टाइम अराउंड आई एम प्लानिंग कि मैं अपने बाल अब नहीं कटवाऊंगी और अपने नेचुरल शेड पे मैं आने दे रही हूँ बालों को। आई एम नॉट जस्ट, असल में ये वाला जो शेड है ये इतना ज़्यादा ख़राब हुआ नहीं है, सो आई एम जस्ट लाइक व्हेन आई वॉश इट एंड व्हेन आई स्टाइल इट, इट लुक्स लाइक एश शेड करवाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ कोई सीन, इट्स जस्ट ब्लीच जो कि पर्पल करवाए थे बाल उससे पहले, जो ब्लीचिंग आप करवाते हो वो ही है बस, दैट्स इट। सो ऑयल लगाते हैं हम साथ साथ। सो द बॉटल ऑफ दिस ऑयल लुक्स समथिंग लाइक दिस। कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है और बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स हैं जो कि आपके बालों को एक्चुअली स्मूथ, हेल्दी और आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ज़्यादातर और स्किन केयर और हेयर केयर वीडियोज़ अक्सर बना रही होती हूँ, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड टू मेक सम वीडियोज़ जिनमें मैं बैठूंगी, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूँगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आस्क मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिनका मैं रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं आंसर नहीं कर पाती होती अपनी। ऑब्वियसली हर किसी को आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो आई हैव डिसाइडेड कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियोस वगैरह बना दूंगी, सो यू गाइस कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वन सिट डाउन वीडियो, और वी आर जस्ट गोना सिट एंड टॉक अबाउट एजुकेशन स्टफ, बिकॉज बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि आपने क्या डिग्री की है, आपकी एजुकेशन क्या है और आपका क्या स्टांस है इन सारी चीज़ों पे, डू यू रियली बिलीव इन स्किल्स वाली चीज़ या डू यू एक्चुअली बिलीव इन गेटिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड उसकी बेस पे आपकी लाइफ बन सकती है। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी अदर टॉपिक्स इन योर माइंड, एनी अदर क्वेश्चन इन योर माइंड, सिंपली आस्क देम इन माई कॉमेंट सेक्शन और यू कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम, ड्रॉप योर DMs एंड आई गेट बैक टू यू गाइज। आई एम गोना शॉर्ट लिस्ट द टॉपिक्स एंड उसके बारे में हम लोग वीडियोज़ बना सकते हैं, ठीक है। द थिंग इज़ कि अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि मेरी डिग्री कहाँ पहुँची एंड स्टफ लाइक दैट। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी डिग्री कहाँ पहुँची है। मैं कर रही हूँ फैशन डिज़ाइनिंग फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और इकरा यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर फैशन एंड टेक्सटाइल, और इस्लामाबाद में बेस्ड है ये यूनिवर्सिटी। और 4 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है, आपका 4 ईयर्स, ऑब्वियसली 4 ईयर्स का होता है ग्रेजुएशन का, उसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं और मैंने 6 सेमेस्टर्स कर लिए हैं। और लाइक फैशन डिज़ाइनिंग में कह रही हूँ, दे ऑल्सो ऑफर टेक्सटाइल वाली डिग्री, बट आई एम इनटू फैशन डिज़ाइनिंग, और 6 सेमेस्टर्स मेरे हो गए हैं। और इस ड्यूरेशन में मैंने 2 दफ़ा अपना सेमेस्टर फ्रीज करवाया है, पहले 1 दफ़ा करवाया था, उस वक्त आई वॉन्टेड अ ब्रेक, एंड अभी भी मैंने जब करवाया था तो आई एक्चुअली वॉन्टेड अ ब्रेक बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माई पर्सनल लाइफ एंड आई एक्चुअली वॉन्टेड कि थोड़ा सा टाइम ऑफ लूँ टू सॉर्ट थिंग्स आउट, टू डू स्टफ माई वे। आई जस्ट वॉन्टेड टू सेटल माई एजुकेशनल सेटअप जो कि FTE है, मैंने FTE को सेटल करना था। So I just wanted to take a break and I was going through a lot in my personal life as well. So मैंने सोचा कि यार एक break होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी सीन ये है कि मेरा university दोबारा से start हो रही है इंशाल्लाह, और आई एम जस्ट गोना गेट बैक टू इट और आई विल गेट माई डिग्री डन। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरी क्या सोच है, मेरा क्या माइंड सेट है अबाउट द डिग्रीज एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैंने गॉट एडमिटेड इन इकरा यूनिवर्सिटी, मेरा माइंड सेट ये था ही नहीं कि मैंने जो है सिर्फ डिग्री करके एक पेपर लेके निकलना है यहाँ से। मैं बहुत से कोर्सेज में बहुत दफ़ा फेल हुई हूँ जो कि मैंने दोबारा उठाए भी नहीं, ठीक है। पॉइंट ये है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न समथिंग, मेरा एग्जाम्स पर इतना जोर होता ही नहीं था, मेरा
लाइक ध्यान उस तरफ होता ही नहीं था कि मैंने ए लेना है या ए प्लस लेना है या बी से नीचे नहीं जाने देना अपने ग्रेड को. मेरा पॉइंट ये था कि मैं जाऊँ, क्लासेस लूँ, लर्न करूँ, मेरे पास स्किल आ जाए और उसको मैं अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करूँ. दैट वाज इट. इस वजह से मैंने अपनी डिग्री स्टार्ट की थी. बाकी मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ग्रेड्स कितने आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन दैट. ऑब्वियसली अगर आपका काम अच्छा है तो आपके ग्रेड्स अच्छे आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे चीज़ों की समझ आ जाती थी लेकिन मैं असाइनमेंट्स वगैरह बना के नहीं देती थी. सिंस इट्स प्रैक्टिकल वर्क तो उसमें हम लोग के असाइनमेंट बेस्ड मार्किंग होती थी. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी असाइनमेंट्स मिसिंग होती थी, मैं कर लेती थी, कभी घर भूल जाती थी, कभी क्लास मिस कर देती थी, जिसकी वजह से एक दो दफ़ा मेरा एफ आया है. लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आई हैव लर्न्ड अ लॉट. अभी मुझे बेशक मेरे एफ आए जो भी आए, लेकिन पैटर्न मेकिंग इज सो स्ट्रांग. आई कैन ड्रेप, आई कैन मेक पैटर्न्स एंड आई कैन स्टिच क्लोथ्स एंड दैट इज़ द पॉइंट. ठीक है, आपके पास स्किल होनी चाहिए, राइट? डिग्री ठीक है आप दिखाते हो, लेकिन आई थिंक अगर मैं किसी डिज़ाइनिंग फर्म की ओनर हूँ तो मैं उस बच्चे को रखना चाहूँगी अपने पास जिसके पास स्किल्स होंगी, बजाय इसके कि मैं उस बच्चे को रखूँ जिसके पास सिर्फ डिग्री होगी लेकिन उसने उस 4 साल की डिग्री में कुछ लर्न नहीं किया होगा. सो पॉइंट बीइंग के आई थिंक डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी स्किल की होती है. ठीक है, इतने सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने डिप्लोमास और कोर्सेज वगैरह किए होते हैं और उन कोर्सेज से वो इतनी अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं कि उनको डिग्रीज की जरूरत नहीं पड़ती और वो फ्रीलांस वर्क कर रहे होते हैं. और फ्रीलांस वर्क इज़ पेइंग अ लॉट. पाकिस्तान में पीपल आर मेकिंग हेयर अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द फ्रीलांस वर्क. आई हैव फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि फ्रीलांस काम कर रहे हैं, फ्रीलांस वेबसाइट्स पर काम कर रहे हैं एंड उन्होंने 4 साल की डिग्रीज की हुई हैं लेकिन उनकी डिग्रीज उनके किसी खाते में नहीं आए. जो काम वो कर रहे हैं, जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने यूट्यूब से लर्न की हैं. सो देर इज़ नो पॉइंट. अगर आपका पर्पज सिर्फ ये है कि आपने क्या होता है सिर्फ एक डिग्री हासिल करनी है इतने सारे पैसे लगा के, तो देर इज़ एक्चुअली नो पॉइंट. यू कैन यूज़ दैट मनी टू गेट इन टू बिजनेस, इस्टेब्लिश योर बिजनेस एंड स्टफ लाइक दैट. बट द थिंग इज़ कि आपके पैसे अगर वेस्ट हो रहे हैं सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर को हासिल करने के लिए, सो आई थिंक दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू आर गोना डू विद योर मनी एंड इट्स जस्ट लाइक यू आर वेस्टिंग इट. या तो आप डॉक्टर बन रहे हो, यू आर एक्चुअली लर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट. लाइक ऑब्वियसली डॉक्टर आप यूट्यूब वीडियोज़ देख के नहीं बन सकते हो, यू नीड एक्सपीरियंस टीचर्स टू टेल यू स्टफ. लेकिन मेरे जितने भी कोर्सेज हैं ना, लाइक उनके सब ट्यूटोरियल्स जो हैं वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिखा रहे हैं एक्चुअली कि हाउ यू कैन लर्न दीज स्मॉल स्किल्स. सो आई थिंक रादर देन वेस्टिंग योर मनी ऑन डिग्रीज, यू शुड इन्वेस्ट दैट मनी इन टू लर्निंग द स्किल्स एंड देन यू शुड जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं और उसके बाद आप मार्केट में आए और अपनी जो है स्किल सेट को मोनिटाइज करें. ठीक है, दिस इज़ जस्ट माई पर्सनल सजेशन. मैं खुद भी डिग्री कर रही हूँ लेकिन मेरी उस डिग्री करने का पॉइंट सिर्फ यही है कि मैं कुछ लर्न करूँ, मेरे पास स्किल्स आ जाएँ और मैं उन स्किल्स को अपनी रियल लाइफ पे अप्लाई करूँ और फिर उन स्किल सेट को मैं मोनिटाइज करूँ. लेकिन अगेन द पॉइंट इज़ कि मेरी जो डिग्री है इट इज़ सो एक्सपेंसिव. ठीक है, मेरे जो पर सेमेस्टर फ़ी है वो 80 to 90,000 होती है. ठीक है, और उसके बाद आपके जो आर्ट वर्क होता है, जो चीज़ें वगैरह आपको यूज़ करनी होती हैं, जो मटेरियल आपको चाहिए होता है, उसमें मंथ में आपके 10 to 15,000 आराम से लग जाते हैं, विच इज़ अ लॉट. ठीक है, विच इज़ अ लॉट एक्चुअली. सो इट इज़ एन एक्सपेंसिव डिग्री. बहुत से इसमें कोर्सेज हैं जो कि आई नो अ फ्यू वेबसाइट्स जो कि बहुत ही चीप कॉस्ट में आपको बहुत ही अच्छी, बहुत ही हायर स्किल सेट दे रहे हैं. तो आई थिंक आई वुड प्रेफर दैट. अभी भी मैं बहुत डबल माइंडेड हूँ कि आई शुड गो बैक टू द यूनिवर्सिटी और नॉट, क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर हो, एक डिग्री हो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑनेस्टली. बट द पॉइंट बीइंग कि मुझे चाहिए स्किल्स, मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए. स्किल्स को आप मोनेटाइज कर सकते हो, आप किसी भी पीस ऑफ पेपर को मोनेटाइज नहीं कर सकते, बिकॉज वंस यू हैव द डिग्री यू डोंट हैव द स्किल्स. आप डिग्री, आप जब फील्ड में आते हो ना तो आपको समझ आती है कि यार आप कितना पीछे हो, 4 साल आपने कितने बुरी तरह ज़ाया किए. मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो तो ऐसा होता है कि यार आपके दोस्त बन जाते हैं, आप घूमते हो, फिरते हो, उनके साथ इंजॉय करते हो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को. एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ. आई हैव इन्जॉयड अ लॉट विद माई फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी, बट आई वुड नेवर वॉन्ट टू ट्रेड दैट विद एनीथिंग एल्स. लेकिन द पॉइंट बींग यू कैन इन्जॉय विद योर फ्रेंड्स इवन आउटसाइड द यूनिवर्सिटी. माई फ्रेंड्स आई स्टिल हैव दैम एंड आई हैंग आउट विद दैम एवरी अदर डे एंड वी इन्जॉय सो मच. So there's no point in going to the university just because you want to hang out with your friends. You can hang out with them anywhere. So point is ke
मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है आफ्टर ऑलमोस्ट गेटिंग डन विद माई डिग्री कि यू कैन लर्न ऑल दी स्किल्स विदाउट पेइंग अराउंड 80,000 to 90,000 पर सेमेस्टर एंड विदाउट इन्वेस्टिंग 15,000 to 20,000 पर मंथ. यू कैन एक्चुअली लर्न दी स्किल्स. सो आई एम जस्ट डबल माइंडेड कि अभी मैं इतने एंड तक आ गई हूँ तो आई शुड एक्चुअली टेक इट अहेड या फिर नहीं. खैर यूनिवर्सिटी वगैरह तो अब स्टार्ट हो गई है लेकिन लाइक अगर मेरा दिल माना तो मैं तो एंड में भी छोड़ दूँगी. मैं उस टाइप की बंदी हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा. पहले भी मैंने सीएस किया था, 2 साल किया था, 4 सेमेस्टर मेरे हो गए थे कम्प्लीटली अच्छे ग्रेड्स के साथ हो गए थे, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू स्विच. आई फेल्ट लाइक आई वॉन्टेड टू स्विच सो आई जस्ट लेफ्ट इट राइट देयर एंड आई टुक एडमिशन इन फैशन डिज़ाइनिंग. तो इस तरह का सीन है मेरा. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इन टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्पेंडिंग द मनी ऑन एक्सपेंसिव डिग्रीज. आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू ऑल नो के अगर आप डिग्री में जा रहे हैं ज़रूर जाएँ, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन ट्राई टू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट, ट्राई टू कम आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी विद अमेजिंग स्किल्स दैट यू कैन मोनिटाइज, दैट यू कैन ऑफर टू द इंडस्ट्री, दैट यू कैन ऑफर टू द कंट्री एंड यू कैन एक्चुअली मोनिटाइज दैम. सो दैट्स इट अबाउट द वीडियो. सो ऑयलिंग हम लोगों की हो गई है. नाउ आई एम गोना लीव माय हेयर फॉर लाइक 3 to 4 hours और उसके बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड यू गाइज लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. आई विल सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आप लोग और किन टॉपिक्स पर चाहते हैं मैं बात करूँ, ठीक है. यू ऑल नो कि आई मोस्टली ट्राई टू कीप माई पर्सनल लाइफ आउट ऑफ इट, सो मेक श्योर दैट द रिक्वेस्ट आर नॉट अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड I'll just see you all in the next video. Take care. Allah Hafiz.